Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of our Top Link organization to Yoga Vasishtha Morning Sessions. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के मॉर्निंग सत्र में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 59वें दिन पे पहुंच चुके हैं। टुडे वी आर ऑन डे 59। यस्टरडे वी कंक्लूडेड द चैप्टर नंबर 4 स्थिति प्रकरण ऑन एग्जिस्टेंस। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 5 दैट इज उपशम प्रकरण ऑन डिसॉल्यूशन। सरोज की तरह हम लोग आज भी 3 बार ओमकार का उच्चारण करके गुरुदेव को याद करके उनकी स्मरण में उनकी छत्र छाया में अपने सत्र की शुरुआत करते हैं। लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज, आंखें बंद कर लें, सिट कंफर्टेबली, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, हथेलियां घुटनों के ऊपर या गोदी में रख ले। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस के ऊपर ले आए। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते भूतकाल का त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जाए। वर्तमान क्षण नया है, इस नए क्षण का स्वागत ओम के नाद से करते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम् 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 पुनः पुनः गुरु वंदना कर ले। गुरु ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरः,
गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले, अपने मुख से निकलने वाले हरेक शब्द हरेक वाणी अपने सारे कर्म एवं विचार अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार यदि हो रहे हो तो, और यदि अब भी जो अहम का थोड़ा भूत भाव बाकी है वह भी और यह सारे भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो ऐसी प्रार्थना करें। मुक्ति और मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग, मुमुक्षत्व की राह पे चलने वाले हम लोग यदि इसी क्षण गुरु कृपा से आप जीवन मुक्ति का सदेह मुक्ति का अनुभव कर ले तो यह उर्वरित जीवन, और यदि किसी कारणवश भक्ति के लिए सेवा के लिए इस ज्ञान को फैलाने के लिए यहाँ पे लौट के आना ही पड़े तो सो व्हाट, वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो ऐसी प्रार्थना कर ले। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए जब भी आपको पूर्णता का एहसास हो अपनी प्यारी सी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हो। जय गुरुदेव। सो आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने अब तक 4 प्रकरण देख चुके हैं। वशिष्ठ मुनि पंखुड़िया खोलते हुए अपने ज्ञान को प्रभु रामचंद्र जी को सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी ज्ञान को हम लोग पढ़कर उसका मनन श्रवण चिंतन निधिध्यासा के स्वरूप में उसको अपने जीवन में लाने का यहाँ पे एक स्टडी ग्रुप के माध्यम से प्रयत्न कर रहे हैं। तो पहले प्रकरण में प्रभु रामचंद्र जी अपना जो भ्रमण करके जो उनके मन में उत्पन्न हुआ जो वैराग्य है उस वैराग्य को परिपूर्णता के लेवल पे अभी वह वैराग्य नहीं पहुंचा होता है तो उनकी जो स्थिति रहती है ना कुछ खाते पीते हैं ना सोते हैं ना अपने शरीर का ख्याल रखते हैं ना अपने जो डेली रूटीन के जो वर्क है वो काम है उनका जो कर्तव्य होता है उन्हीं कर्तव्य को करते हुए दिखाई देते अपने ही ऐसे ही खोली में बंद पड़े पड़े वहां पे अपना जीवन बिताते हैं बिकॉज उन्हें अभी वो क्या हो रहा है उनके साथ या सच्चाई क्या है परमानेंट सुख क्या है यह बाकी के लोग क्यों इन सारी चीजों में इस तरह से फंसे हुए दिखते हैं यह उनको बड़ा आश्चर्यकारक लगता है और उनमें इस सब में इस इनको कोई रस नहीं आता लेकिन उसके बावजूद भी अभी आत्मज्ञान की प्राप्ति ना होने की वजह से अभी उनको वह दिशा वो डिरेक्शन अभी मिला नहीं होता है तो वह अपने वैराग्य को आके फिर सभा में वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र दशरथ राजा और बाकी सारे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। कई सारे लोग वैराग्य जो वाणी राम के मुख से निकलती है उसको सुनने के लिए वहां पे आ जाते हैं। इतना सुप्रीम इतना स्टेट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस जिसमें परम वैराग्य को आप पे पहुंच चुके होते हैं लेकिन अभी भी वो डायरेक्शन स्थित नहीं होने की वजह से वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु हे भगवान आप तो ब्रह्मज्ञानी हो आप तो आत्मज्ञानी हो कृपया करके मुझे मार्गदर्शन करें क्यों ऐसा होता है क्यों ऐसे लोग फंस जाते हैं क्या इस सृष्टि के पीछे राज है क्यों मैं यहाँ पे हूँ मेरा जीवन किस लिए है मैं कौन हूँ इस तरह के अलग 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 प्रश्न जो प्रभु रामचंद्र जी के मन में उत्पन्न होते हैं वह अपने आप को वशिष्ठ मुनि के सामने रखते हैं। फिर उसके बाद में जो अपना सेकंड चैप्टर जो है अपना मोक्ष व्यवहार प्रकरण वहां पे फिर विश्वामित्र उनको बताते हैं कि हाँ
इस तरह से जो अपने वेद व्यास थे उनके पुत्र को भी इसी तरह से उनकी भी स्थिति हुई थी जो तुम्हारे मन की अवस्था है, और बाद में उनको फिर ज्ञान मिलता है तो वह भी मुक्त हो जाते। तो वही ज्ञान मैं वशिष्ठ मुनि से विनंती करता हूँ कि तुम्हें प्रदान करें। वशिष्ठ मुनि तो खुद भी ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है। तो उस प्रकार फिर वशिष्ठ मुनि यहाँ पे बतलाते हैं सारे ज्ञान को, पंखुड़ियों को धीरे धीरे खोलते हैं, तो बोलते हैं कि अपनी जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो ऐसे बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, हे राम तुम उठो अपना पुरुषार्थ करो। तो गुरुदेव बताते हैं पुरुषार्थ माने क्या, तो अपने बोलते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो बोलते हैं अपना धर्म माने जो जिंदगी के डेली रूटीन जो आपकी कर्तव्य है उन सारे कर्तव्य को आप करो, अपने धर्म के मार्ग पे चलो। योगा प्राणायाम मेडिटेशन आपके जो डेली रूटीन गृहिणी है तो गृह सके काम, आप जॉब कर रहे हो तो आपकी ड्यूटी जो है, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी बिजनेस जो आगे, आप स्टूडेंट हो आपकी पढ़ाई करना, ये सारी चीजें धर्म में आ जाती है। ये आपका धर्म, आपको यह करना है। अपने धर्म से हटके कुछ करने का प्रयास ना करो, अपना धर्म। धर्म करने के लिए जो भी टूल्स मींस की आवश्यकता होती है तो उसके लिए जो करना पड़ता है वो आप अर्थ जो बोला है उसको आप अर्न करो, उसको पाओ, जाओ उसके लिए मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, जाओ अपना कर्म करो, उसको प्राप्त करो और फिर उसको धर्म के कार्य में मार्ग में लगाओ। देन बोलते जो अपनी जिंदगी में जो अपनी कामनाएं रहती है छोटी छोटी कामनाएं, वो बोलते हैं छोटी छोटी कामनाओं में ना फंस के थोड़ी उन कामनाओं का दायरा बढ़ा दो। मुझे IAS ऑफिसर बनना है, बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे IITian बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, बनो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि वो आप सोच रहे हो कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बड़ा एक्टर बन जाऊंगा, बड़ा म्यूजिशियन बन जाऊंगा, बड़ा स्पोर्ट्समैन बन जाऊंगा तो मेरी कॉलर टाइट हो जाएगी, हाँ मेरा नाम होगा, मेरा फेम होगा, तो माय डियर आपने अभी तक चीजों को ठीक से समझाई नहीं। तो बोलते कामनाएं रखो, अच्छे इंटेंशंस रखना भी तो पार्ट ऑफ कुछ करने के लिए है। तो कुछ अच्छे चीजें को हम लोग अपनी कामना तो होती है, सबके मन में होती है, तो उस कामना का दायरा बढ़ाओ, बनो एक्टर, लेकिन एक अच्छा मैसेज पास ऑन करने के लिए बनाओ मूवी, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें सबकी उन्नति, बिकॉज यू आर द वन, आप ही वो बहुत सारे अपने यूथ को इंस्पायर कर सकते हो। क्या वहां पे दिखाते हो सिगरेट पीना, क्या वहां पे दिखाते हो दारू पीना, क्या इससे अपनी समाज को, अपने जो लोग हैं, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको एक अच्छा मैसेज पास ऑन होगा। तो बोलते बनो, जो कुछ भी जिंदगी में बनना है बनो, लेकिन उससे जो अपने जो मूल्य स्थापित कर रहे हो वो देखो। एक IAS ऑफिसर बन के क्या भ्रष्टाचार करोगे? देखो अपने आप को इस जगह में रख के, इतना सारा पढ़ाई करके IIT बनना है, इतना सारा पढ़ाई के बिजनेसमैन बनना है, इतना सारा सारे कई लोगों को ऐसे मन में वो बड़ी बड़ी भावना रखो, तो वसुधैव कुटुंबकम, मैं मुझे बनना है बिजनेसमैन, लेकिन मुझे मेरे लिए मेरी आवश्यकता है, मेरी नीड्स तो बहुत कम है जी, मुझे बनना है बिजनेसमैन टू गिव एन एम्प्लॉयमेंट, सारे लोगों को मुझे वह जॉब देने के लिए, उनको उसके लिए मुझे बिजनेसमैन बनना है। जो कुछ भी आपका ध्येय है उस ध्येय को अपना, उस कामना को थोड़ी बड़ी कामना के साथ अटैच कर देते हो, तब जाके उससे जो फ्यूरिशनेस है वो निकल जाता है, उस दुखों का कारण जो है वो दुखों का कारण वहां से निकल जाता है। तो बोलते धर्म अर्थ काम, ये कामनाएं जो है अच्छी कामनाएं अपने इसमें रखो, जरूर रखो, होना ठीक है, इट्स ओके टू हैव दैट। लेकिन एक हद तक जब तक आप मुक्त ना हो जाओ, मुक्त हो जाओगे तो वो बोलते हैं कि ये सारी चीजें फिर आप ना पाप करना चाहोगे ना कुछ पुण्य करना चाहोगे, आपके हाथों से जो एक्शंस होगी वह सिर्फ उत्थान के लिए होगी, बिकॉज अपना तो अस्तित्व है ही नहीं, अपने लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहो। वह प्राप्ति, वह अंडरस्टैंडिंग, वह एक एक जीवन की जो स्थिति है, मोक्ष की जो स्थिति है, बोलते तुम्हारे जीवन का मनुष्य रूप धारण किया है, तुम में यह समझ है, वो तुम्हारा अपने जीवन का एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए, वो तुम्हारे पुरुषार्थ का ही हिस्सा है। तो हैविंग दैट गोल इन योर लाइफ ऑफ मोक्ष, ऑफ लिबरेशन, ऑफ मुक्ति भी तुम्हारे पुरुषार्थ का ही पार्ट होना चाहिए। एंड देन बोलते इसको अचीव करने के लिए तुम्हें क्या उपयुक्त होगा, तो बोलते ये मोक्ष के चार द्वारपाल और जो ज्ञान के जो पॉइंट्स हम यहाँ पे बता रहे, यह सारे तुम्हें जीवन में मुक्त होने में मदद करेंगे। तो क्या शम, शम और दम, शम दम एक साथ बोलते हैं, तो बोलते सेल्फ कंट्रोल,
दम माने सेल्फ कंट्रोल, श्रम माने पीस ऑफ माइंड, शांति जो है। तो बोलते ऐसे शांत हो जाओगे, ऐसे अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल पा रहोगे, सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा दम के माध्यम से, तो फिर वह तुम्हें जो जिस पाथ के तुम चल पड़े हो उस पाथ पे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और फिर क्या बोलते दूसरा जो गेट कीपर है, जो दूसरा जो द्वारपाल है वह है विचार। तुम्हारे मन में यह विचार आना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। इस तरह से राम जी के मन में यह सारे विचार आए, वो वैराग्य को तरफ वो बढ़े, हाँ, तो उस तरह से जो सारे विचार है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, यह सारे विचार आपको इस पथ पे आगे बढ़ाने के लिए जरूर जरूर हेल्प करेंगे। देन उसके बाद में बोलता है कि हैव अ कंटेंटमेंट, वो संतोष आपने मन में, तीसरा जो द्वारपाल बताया कि आप संतोष अपने मन में रखो। और जो चौथा बोला है कि अपना जो साधु संगति ये सब अचीव करने के लिए अच्छे ग्रुप के माहौल में, कंपनी ऑफ द गुड पीपल में सदा रहो, यही लोग आपको उन्नति के मार्ग पे लेके चलेंगे। अपना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में गुरु मिल गए हैं। श्री रविशंकर जी इज माई गुरु, इज गुरु टू मेनी ऑफ यू, कई सारी लोगों के गुरु है। यह कोई गुरु फिजिकल बॉडी तो नहीं होती है, लेकिन यदि फिजिकल बॉडी के रूप में त्रिगुणा सहित अपने साथ में होता है तो फिर सोने पे सुहागा बन जाता है। वही स्थिति हम लोग उसी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं कि गुरुदेव हमारे साथ है। जब भी कोई शास्त्र कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो मार्गदर्शन करते हैं, जब भी हमें कुछ प्राप्त करने की ये हो जाता है तो प्रार्थना करते हैं कि आपकी आपकी प्रेरणा से ही वो हमारे मन में आए, हमारे इसमें आया अस्तित्व में, उसके स्फुरन उठे आपकी प्रेरणा से। या जब कुछ इस पाथ पे चलते हुए कुछ मिल भी जाता है, कोई थोड़ी बहुत सिद्धि या इधर से उधर से कुछ हो भी जाती है, तो बोलते उसको भी आपकी चरणों में ही समर्पण कर हम खाली हो जाए। इस पाथ पे कोई ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, कुछ अड़थड़े भी आते हैं अपने यहाँ पे, कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कुछ रुकावटें आते हैं, तो उन रुकावटों को, उन प्रॉब्लम्स को भी किसी को समर्पण करने के लिए, हे मेरे गुरु आप हो, आपके चरणों में उनको समर्पण कर, अर्पण कर मैं खाली हो जाऊं, मैं उससे मुक्त हो जाऊं। इसलिए वह गुरु की आवश्यकता, सदगुरु की आवश्यकता अपने जीवन में बहुत होती है। तो भाग्यवान समझे, अपने पेट थपथपाए कि हमारी जीवन में हमें गुरु मिल गए, उनकी बड़ी कृपा है, अपनी श्रद्धा है उनके ऊपर, उस श्रद्धा को बरकरार रखिए, वही आपको नया पार लगा देगी। वो भक्ति को ना छोड़े, वो भक्ति को भी ज्ञान के मार्ग पे चलते चलते भक्ति का हाथ नहीं छोड़ना, गुरु का हाथ नहीं छोड़ना, वही हमें हमारी नैया पार लगा देगी। सो बोलते वो साधु संगति वो बहुत अपने जीवन में इम्पोर्टेंट है। तो ये चारों जो मोक्ष के द्वारपाल है, एंड देन उसके साथ में जो ज्ञान जो प्रदान किया है कि यह जो सृष्टि जो है, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, वो हमने तीसरे चैप्टर में देखा, तीसरे प्रकरण में देखा कि किस तरह से यह सृष्टि निर्माण हुई, इसके पीछे कैसे कोई कार्य कारण भाव नहीं था, किस तरह से एक समुन्द्र में जो वेव उठती है उसी वेव के भांति जो है जिसको हम लोग जानते नहीं है, बोलते समय तो एड्रेस करते हैं ब्रह्मन शिवन और चैतन्य कॉन्शियसनेस, अलग अलग रूपों से नाम से पुकारते हैं, परमात्मा बोलते हैं, जीजस बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, राम बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या, महावीर बोलते हैं, बुद्ध बोलते, कितने सारे अलग अलग नाम से उसी को पुकारते रहते हैं, बोलते हमको पता नहीं इसलिए इन सब नामों से पुकारते, जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग, फॉर अवर अपनी समझ के लिए हम लोग इतना कर, सच में वो क्या है वो तो हम लोग जानते नहीं, अपनी जो यह लिमिटेड बुद्धि है, यह बुद्धि के परे वाली चीज है, बुद्धि से हम लोग उसको जान नहीं पाते, उन्हीं के वहां पे इस तरह से स्फुरन होता है कि उनको अपने आप को व्यक्त करने की एक इच्छा होती है, तो अपने मूल स्वरूप को भूल के वहां पे जो थोड़ा सा चित्त फॉर्म हो जाता है, अहंकार जो आता है कि मैं कुछ हूँ और मुझे कुछ अपने आप को व्यक्त करना है, वहां से फिर वो चित्त तैयार होकर चित्त ही मन में एक स्वप्न के भांति इन सारी चीजों को देखने लगता है, किस तरह से वो पंच तन्मात्रा आ जाते हैं, किस तरह से पंच महाभूतों का निर्माण हो जाता है, असलियत में तो कोई निर्माण नहीं होता, स्वप्न के भांति यह सब एक माया ही है। यह ज्ञान को भी वहां पे इस उत्पत्ति प्रकरण से वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को देते हुए दिखाई देते हैं। फिर बोलते ठीक है, यह तो है माया तो है, यह तो उत्पन्न तो इस तरह से हो गया, लेकिन आप तो यहाँ पे इस तरह से जी रहे हो, भले ही इमेजिनरी क्यों ना हो, भले ही आपका जीवन जो अस्तित्व है वो भी अनरियल हो, लेकिन जीना तो इसी में पड़ता है, व्यवहार तो इसी में करना पड़ता है, लेकिन जब तक तुम मुक्त ना हो जाओ त
तब तक तुम्हारा जो यह जो ऑन एग्जिस्टेंस, यह जो प्रेजेंट है, यहाँ पे जो सारी वस्तुएं जो दिखाई देती है, निर्माण हुई, जिसमें आप जीते हो उस तरह में, उसका आपको व्यवहार कैसे हो, तो वो व्यवहार को, उस सारी चीजों को वहां पे अलग अलग कहानियों के माध्यम से उत्पत्ति प्रकरण में भी और स्थिति प्रकरण में भी वशिष्ठ मुनि इनको प्रभु रामचंद्र जी को सबको सुनाते हैं। फिर उसके बाद में फिर अभी बताते हैं कि ठीक है, अभी तुमने समझ लिया उत्पत्ति कैसे हुई, समझ लिया कि यह समाया है, समझ लिया कि इससे गुजरते समय तुम्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से तुम्हें जीना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजों को छोड़ना चाहिए, वो तुमने समझ लिया। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह जो माया है, अभी ये तो सब समझ लिया माया है, जान लिया, अब इसको मैं डिसॉल्व कैसे करूँ, इसको मैं इसको नष्ट कैसे करूँ, इस मनोनाश को मैं प्रैक्टिकली करूँ कैसे, यह जो चीज है यह उपशम ने अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लेना, अपने आप को यह सारी चीजों को डिसॉल्व कर लेना। ये डिसॉल्यूशन का जो प्रकरण है वो आज से हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि जो रहती है, उनकी वाणी का जो प्रभाव रहता है वो सबके ऊपर अब तक बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। फिर जो बोलते हैं दसरा दसवां दिन जो रहता है, जहाँ पे यह स्थिति प्रकरण वहां पे वशिष्ठ मुनि समाप्त करते हैं, सबको अनुमति दे देते हैं, सायंकाल का समय होता है, सब लोग जाके अपना खाना पीना खा के वह जाके सो जाते हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी उनको नींद नहीं आती, वो उनकी वाणी जो रहती है वो वाणी के मन ही मन में गूंजती रहती है, उसी को वह आगे बढ़ाते हैं, उसी के उनकी ही वाणी उनके मन में गूंज रहती है, वही प्रश्न उनके मन में बार बार दोहराते रहते हैं कि ये क्या है, ये कैसा है, इस तरह से प्रश्न, किस तरह से हम लोग इसको डिसॉल्व करें, किस तरह से इसको डील करें, ये सारे जो प्रश्न जो होते हो रोजमर्रा के अपने जीवन में भी आते हैं, जब एक सीकिंग चालू हो जाते हैं तो वो प्रश्नों के ऊपर प्रभु रामचंद्र जी वहां पे करते 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 वही उनकी भी रात बीत जाती है। दूसरा दिन ग्यारहवा दिन चालू हो जाता है, सभी जो है प्रभु रामचंद्र जी, उनके तीन भाई दशरथ राजा, उनके अष्ट प्रधान, उनकी सारी जो प्रजाजन जो होते जिनको वह सुनने में इंटरेस्ट होता है, सारे अंतरिक्ष से जो सारे होते हैं वो सबके से वहां पे फिर से आके वहां पे जुटना शुरू हो जाते हैं, अपने अपने आसनों को ग्रहण कर लेते हैं, और फिर दशरथ राजा अपने आप को यहाँ व्यक्त करते हैं कि हे भगवान, जिस तरह से भी आपने यहाँ पे हमें बताई, जिस तरह का भी ज्ञान दिया, उससे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा है, वो वैराग्य जो आपने बताया, जो प्रभु रामचंद्र जी ने यहाँ पे सुनाया, उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है। इस तरह से दशरथ राजा वहां पे अपने आप को व्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद में प्रभु रामचंद्र जी भी कहते हैं कि जिस तरह से सारी जो अपनी पूर्व पुण्याई है, इस तरह से जो आपने यहाँ पे बताया सारी चीजें उससे ऊपर जो अपना है, हमारी जो मन के ऊपर है, बहुत गहरा प्रभाव हुआ है, यह देह से अपना जो आत्मा है यह निराला कैसे है, यह हमें भी यहाँ पे समझ में आया है, तो इस तरह से इसी चीज को आप आगे बढ़ाइए, अपनी वाणी को आप कृपया करके कंटिन्यू करिए, और हमें इस आत्मज्ञान के मार्ग पे हमें आगे बढ़ाए, इस तरह से विनंती करते हैं प्रभु रामचंद्र जी। तो फिर जो अपने वशिष्ठ मुनि है वो अपने बोलना शुरू करते हैं वहां पे, और बताते हैं कि यह जो देह है इससे जो आत्मा निराला है, यह जान लेना बहुत कोई कठिन बात नहीं है, कि जैसे कोई सोना होता है उसने को यदि आपकी चिखल में या मड़ जो है मिट्टी है उसमें फेंक दो और कई साल तक वो पड़ा भी रहे तो क्या वो कुछ उसे कुछ होता है क्या, तो बोलते नहीं उसे कुछ नहीं होता, वो सोना सोना ही बना रहता है। उसी तरह से यह जो जग में सर्वव्याप्त होने के बावजूद भी यह जो आत्मा है, इस आत्मा की कहीं पे भी हानि होते हुए नहीं दिखाई देती है ना, यह आत्मा ऐसे ही बरकरार रहता है। इस तरह से फिर वहां पे यह वशिष्ठ मुनि उनको बतलाते हैं, तो बोलते हैं कि अब तक मैंने जो सारी चीजें तुम्हें बताई कि यह स्थिति प्रकरण में बताया कि कैसे यह जगत की जो स्थिति है यह तो मिथ्या है, किस तरह से यह जो सारी
जो अपना जो मन रहता है, यह मन ही होता है, वो कर्तापन का भाव होता है, भोक्तापन का भाव होता है, यह अपने मन में लाता है, यही सोचता है, इसी में वह अहंकार रूपी हो जाता है कि मैं हूँ कुछ, तो इस तरह से यह कर लेता है। और बोलते इसी मनों का नाश करके ही हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। यही चीज हम लोग इस उपशम प्रकरण में यहाँ पे देखेंगे। हम शांति क्या है, इस उपशम स्थिति को कैसे के निर्वाण स्थिति तक तुम्हें लेके जा सकता है, मुक्ति की स्थिति तक लाता है, यह मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूं। अपने पूरे पंच प्राण को एक होके तुम उसको अभी सुनो। तो बोलते यह स्थिति क्यों आ जाती है, जो आत्मज्ञान होता है उसको प्राप्त करने के लिए, हे राम हे सभाजन, इसको तुम पूरी विलंब ना करो, तुरंत इस मार्ग पे जुड़ जाओ, तुरंत इस मार्ग पे आगे चलना कब शुरू कर दो। तो बोलते यह ऐसा लगता क्यों है कि यह जो विस्तृत जो जगत जो है इतना भासमान है, रियलिटी में अविद्या है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको चलाता कौन है। तो बोलते यह जो विस्तीर्ण जो मंडप की भांति है, जो जग यहाँ पे दिखता है, उसको उसको सपोर्ट करने वाले जो एक पिलर्स की भांति जो होते हैं, वह बोलते हैं कि यह जो संसार की विस्तीर्ण संसार माया है, यहाँ पे जो राजस और तमस जो जीव होते हैं उनके आधारों से ही यह सृष्टि यहाँ पे बनी हुई होती है। यहाँ पे जो जड़ बुद्धि जो होते हैं, जो अपने आप को सिर्फ देह मानते हैं, जो अपने षंड्रिपु जो होते हैं, राग लोभ द्वेष काम क्रोध लोभ मय मत्सर जो है, सारे जो षंड्रिपु है, ये जो विषयों के आधार पे जो बाहर जाने की जो वृत्ति है, इन्हीं वजह से ही, इन्हीं भावनाओं में जो लोग उलझे रहते हैं, यही इस अविद्या का, यही इस माया को बनाए रखने के लिए एक आधार स्तंभ के रूप में यह लोग प्रतीत होते हैं, यही इस सृष्टि को बनाए रखते हैं, ऐसे ही इस सृष्टि को, अविद्या को यह लोग आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो जो कुछ गिने चुने जो लोग होते हैं, तुम्हारे जैसे, जिस तरह से आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, उन जो सरे थोड़े बहुत लेते हो, परमात्मा दृष्टि से जो उदित उनका मन हुआ होता है, उनके मन में वह सीकिंग जो चालू होते हैं, वैसे ही थोड़े बहुत जो लोग रहते हैं, वह सात्विक और शुद्ध सात्विक जो जीव होते हैं, जो उन जिस सर्प के भांति जो अपनी कात होती है उसको डालकर, उसकी अपनी चमड़ी को डालकर जिस तरह से नया जन्म को प्राप्त कर लेते हैं, जन्म तो नया नहीं होता है वहां पे, लेकिन वो अपने ज्ञान को वहां पे, वो जो सर्प की जो चमड़ी रहती है उसको छोड़ना, मतलब अज्ञान को छोड़कर वह एक सहजता के साथ इस माया का त्याग कर पाते हैं। और अपने प्रयत्न जो रहते हैं, उन प्रयत्नों का आश्रय लेके अलग अलग गुणों से, जो हमने शक्त संपत्ति देखी, जो नियम और जो यमाज है, नियमाज हमने देखे, और जो शक्त संपत्ति देखी, तो उन नियमों को मैत्री करुणा, ऐसे जो वैल्यूज है, ऐसे जो भाव उत्पन्न होते हैं, योगाभ्यास, वैराग्य, सत्संगति, उपासना, अलग अलग माध्यम से, प्रयत्नों के माध्यम से उसका अवलंबन कर, अपनी जो बुद्धि रहती है उस तत्व दर्शन की मार्ग पे उसको लेने में समर्थ अपने आप को बना लेते हैं, और इस जो माया का जो पाश है, इस माया के पाश से वह मुकायम के लिए, हमेशा के लिए वह मुक्त हो जाते हैं। फिर वो उस अक्षय आनंद, जो आनंद जो कभी खत्म नहीं होता, जो चिद आनंद, जो सत स्वरूप जो आनंद होता है, जो शांति जो होती है, उसका जो पद है, उस पद की वह प्राप्त कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे वशिष्ठ मुनि अपने जो दोनों के दोनों हाथ है, उनको ऊर्ध्व बाहु पोजीशन में लेके अपने दोनों हाथों को उठा के बोलते हैं, हे सभाजन, क्या मैं जो यह सिद्धांत, जो अपने आत्म जो है, यही अतार्थ, यही आत्मज्ञान का प्राप्त करने के लिए है, आत्मा यह ब्रह्म, यही एक स्वनिष्ठ स्वरूप है, यह जो सारी जो चीजें है, यह सिर्फ एक माया है, इसको नष्ट करने के बगैर दूसरा कोई उपाय आपके पास नहीं है, इस मन को नष्ट करने के बजाय आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, यह विषयों में जो आप फंसे रहते हो, इन विषयों से बाहर निकलना, यह मन को नष्ट करना, यह बुद्धि को नष्ट करना, बुद्धि के परे जाना, इसके परे इस अविद्या को जानने का, इस अविद्या को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। हे सभाजनों, हे लोगों, क्या तुम्हें मेरे प्रयत्न दिखाई नहीं देते, क्या तुम्हें मेरी वाणी में वह चीज नजर नहीं आती, किस तरह से मैं अपनी शब्दों का प्रयोग यहाँ पे कर रहा हूँ, कितनी आत्मीयता के साथ इन शब्दों को, इन वाणी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि जो मुक्ति का अनुभव, जो आत्मज्ञान
मैं आनंद का अनुभव प्राप्त कर रहा हूं, मुझे आपको आपके दुखों से बाहर निकालने के लिए जो मैं सारे प्रयत्न करते हुए दिखाई देता हूं, क्या उन प्रयत्नों का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होता? हे सभाजनों, हे लोगों, उठो जागो। यह जो आत्मज्ञान का जो मार्ग है, यह जो मुक्ति का मोक्ष का मार्ग है, इसकी जीवन पे चलो। यह जो सारी छोटी छोटी उलझनों में तुम फंसे हुए, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, अपनी दुखों में तुम छोटी छोटी जो अपनी इच्छाएं होती है उनमें जो फंसे हुए हो, उनके ऊपर से बाहर निकलने का प्रयत्न करो। इस सभाजन, इस सिद्धांत को सुनो, इस मार्ग पे चलो। यही मार्ग तुम्हें असलियत में जाके आगे चल के तुम्हें अपनी मुक्ति के मार्ग पे लेके जाएगा। यही तुम्हें तुम्हारे सारे दुखों से, जो तुम हाय 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 मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही वैसा क्यों हुआ, मेरे को क्यों नहीं मिलता, उसको क्यों मिला, यह जो भेदभाव की भावना आपके मन में जागृत हुई है, इससे तुम्हें मुक्त प्राप्त होने में तुम्हें हेल्प करेगी। तुम्हारे मन में जो भेद उत्पन्न हुए है कि यह अच्छा है, यह बुरा है, यह पाप है, यह पुण्य है, यह ऐसा करना चाहिए, वह वैसा करना चाहिए, यह अमुक है, वह तमुक है, यह अच्छा नहीं है, बुरा, ये जो सारी भेदभाव की जो भावनाएं तुम्हारे मन में अज्ञानवश निर्माण हो चुके, इन्हीं से तुम्हें निकलने में ये सिद्धांत है, यही जो नॉलेज है, यही ज्ञान है, इसी से तुम इससे बाहर निकल पाओगे। इसी ज्ञान के सिद्धांत को तुम सुनो, मेरी वाणी को सुनो, इस मार्ग पे चलो। इसमें बिल्कुल विलंब ना करो, इसमें कोई भी देरी ना करो। सभी चीजों का त्याग कर, इस मन का त्याग कर, इस मन की वृत्तियों का त्याग कर, इसको मिथ्या जानकर तुम इस पथ पे आगे बढ़ो। अपने आप को उस ब्रह्मनिष्ठ स्वरूप, उस शिव में, उस ब्रह्म में अपने आप को पाओ। वहां पे जाओ, वहीं पे स्थित रहो, तो एक परमानंद की, एक चिदानंद की जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को तुम प्राप्त कर पाओगे। यही मेरी वाणी है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आकांक्षा है, तुम इससे मुक्त हो जाओ। इस तरह से वशिष्ठ ने अपनी यहाँ पे वाणी को व्यक्त करते हुए अपने दुखों का अंत किस तरह से किया जाए, इस तरह से सभी सभाजनों को संबोधन करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। फिर अपने आप को आगे बढ़ाते हुए सब कुछ ये बतलाते कि हे रामा, यह जो सिद्धांत है वह मैं तुम्हें अपने पूरे हाथ को ऊपर उठ के, अपने पूरी अस्तित्व के कण कण से तुम सभी को यह बतला रहा हूं, तुम इस मार्ग पे चलना शुरू कर दो। यही ज्ञान है, यही ज्ञान को यूज करके ही तुम अपने आप को जीवन में आगे बढ़ा सकते हो। फिर बोलते हैं कि इस ज्ञान के पथ पे चल के जो लोग आगे बढ़ते हैं वो पाश्चात्य की स्थिति होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं, माने उसका उनका वह यह जन्म जो है, यह जन्म ही उनका आखिरी हो जाता है, और फिर इसके बाद में विदेह मुक्ति को लोग प्राप्त करके इस जीवन मुक्ति के चक्कर से, इस दुखों के चक्कर से, यह जो फंसे रहते लोग जो अपने इसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को दुखों में डालते हैं, इन दुखों का अंत करने का यही एक उपलब्ध मार्ग है। इस मार्ग पे चलो और अपने इस दुखों का अंत करके अपने आप मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पे परमानेंट एक स्थिति में, उस परमानेंट चीज में उसको प्राप्त कर लो। यही एक उपशम का एक मार्ग है। और फिर इसको फिर आगे बढ़ाने के लिए, समझाने के लिए फिर वह उन्हें जनक राजा की कथा सुनाते हैं, और जनक राजा की कथा को हम लोग कल देखेंगे। इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे रोक लेता हूँ, इस सत्र को आपके हवाले कर देता हूँ। आप अपने कोई सत्र के बारे में, अब तक जो हमने सुना हुआ है, वशिष्ठ मुनि की जो वाणी सुनी हुई है, उसके बारे में यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछ ले, अपनी शंकाओं को पूछ ले। शंकाओं की वजह से ही आज ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। यदि प्रभु रामचंद्र जी अपनी शंका नहीं उठाते, अपने प्रश्न नहीं उठते, तो हम लोग इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो अपनी जो मन में जो है उसको, अपने डाउट्स को क्लियर कर लो, शंकाओं को निरसन करके आगे बढ़ो। आज का जो टेक अवे है, आपने आज के सत्र से क्या सीखा, बाकी के सत्रों से आपने क्या लिया, उस टेक अवे को भी आप व्यक्त कर सकते हो, और फिर आपका जो अनुभव क्या कहता है इसके बारे में, उसे भी आप व्यक्त कर सकते हो। इस विनती के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए इस सत्र को मैं अभी आपके हवाले कर देता हूँ। जय गुरु। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे खुला कर दिया है, आप खुद ही अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नेहा जी बोलिए। मुझे आज ऐसा क्लिक हुआ कि ये सत्र शुरू होने से पहले जो बुदबुदे के बात कर रहे थे, बुड़बुड़ा पाण्यामध्ये येतो, तो दोन पद्धतीने समजला मला। एक म्हणजे बुडबुडा समुद्राच्या तळाशी उत्पन्न होतो, त्यात थोडीशी हवा असते आणि थोडस आकाश आणि वर पाण्याचं आवरण असतं, तर तो जसा वर येतो तसं तसं आकाश तत्व वाढत जात, मग तो पृष्ठभागावर येतो तेव्हा तो फुटतो आणि आकाश तत्व आकाश तत्वात मिक्स होतं, जलतत्व जलतत्वात, वायुतत्व वायुतत्वात, आणि बेसिकली तो उत्पन्न होताना उष्णता म्हणजे तेजतत्व असतं, ते सगळं मिक्स होतं आणि तो समुद्र होऊन जातो, आकाश होऊन जातो, कॉन्शियसनेस मध्ये सगळं मिसळून जात। सगळं मिसळून जात आणि कॉन्शियसनेसच होऊन जातो, तो बुडबुडा उरतच नाही। हे एका पद्धतीने कळलं। दुसरं असं कळलं की आकाश तत्व जसं जसं वाढत जाईल तसं तसं म्हणजे होलो अँड एम्प्टी मेडिटेशन थोडक्यात, की आकाश तत्व जसं वाढत जाईल तसा अहंकार कमी होईल, ही दुसरी पद्धत कळली। आणि तिसरी पद्धत अशी कळली की वरती जे पाण्याचं आवरण आहे ते म्हणजे अहंकार आणि आतमध्ये आतमध्ये काय किंवा बाहेर काय सगळीकडे शुद्ध शुद्ध चेतनेचंच अस्तित्व आहे, तर तो अहंकार जर का नाहीसा झाला तर आपण शुद्ध चेतनाच आहोत, हे मला लक्षात आलं। अनुभव नाही येत असा पण हे थोडस जाणवलं मला असं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नेहा जी। अनुभवच आहे, अनुभव वो शब्द में हम लोग करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन उसमें सक्सेसफुल ये स्थिति है। अनुभव ही आपका, आपने वो अनुभव प्राप्त कर लिया है, अंदर ही अंदर बात को मान लो कि मैंने अनुभव प्राप्त कर, और फिर तो व्यक्त करना प्रयत्न करते लेकिन कर नहीं पाती, ये स्थिति हो जाती। तो बहुत ही सुंदर विश्लेषण आपने जो एनालॉजी बताया, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही टेक करे है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। जय गुरुदेव। यही स्थिति हो जाती है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। किसी को अपने आप को व्यक्त करना है जरूर, आप अपना अनम्यूट करके आप जरूर व्यक्त कर सकते हैं। हेलो, जय गुरुदेव एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम हियर, यू नो, ऑन दिस सेशन। सो एज यूजुअल सोमेश्वर जी टेक्स अस on a very beautiful way, in a beautiful way he takes us there with whole of the story from the first Yog Vasishth. Everything was covered today, a helicopter view of all that we had, how everything goes on, how Rama asked a question and how we did the, we are on the fifth chapter today on this solution. Wonderful Someshwarji, that was amazing. Yes, and what is that what we are seeing? So in this chapter, of course, the story continues like that. He Valmiki says, all the gods and everything, semi-gods, sab jo hai wo, sab jo hai wo, darbar mein baithe hain, aur emperor, jo king Dashrath hai, that is, he is also there trying to absorb the teachings of the sage, jo Vasishth Muni bata rahe hain, unke baare mein, Dashrath ji bhi unko, अपने को अपनाने के इसमें है, यू नो, ही इज ट्राइंग टू डू ऑल दैट। तो कैसे दिन बीतता है, कैसे सब कुछ होता है, सब आशीर्वाद लेते हैं, दशरथ भी आके ब्लेसिंग्स लेते हैं वशिष्ठ मुनि के, एंड ऑल एवरीबॉडी अबेंडन द, मतलब ऑल आर गोइंग टू देयर ओन, अपने कक्ष में जाते हैं। ओके, एंड व्हेन द नाइट फॉल्स, सो व्हाट इज देयर नाउ, रामा इज रिटायरिंग टू द बेड। अपने बेड पे सोने के बाद रामा को नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? बिकॉज ऑल दोज इल्यूमिनेटिंग वर्ड्स ऑफ वशिष्ठ मुनि इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड,
सो वो सब वो कंटेम्पलेट करते हैं कि ये वर्ल्ड कैसे अपीयरेंस है, कैसे यू नो अलग अलग लोग है, कैसे बीइंग्स है, कैसे वो अपियर होता है, कैसे वो भासता है लेकिन नहीं है, माया क्या है, ये सब उसकी उसके अंदर जो इल्यूजन क्या है कि माया दिखती है लेकिन उसकी लिमिटेशंस क्या है, और कैसे मैं इनफाइनाइट में जा सकता हूँ, तो ये सब बातें उसके मन में, रामा के मन में रात को उसको नींद नहीं आती है, तो वो सब बातें जो है उसके मन में चलती है कि वो सेंसेस क्या है माइंड में, कैसे मैं उसके ऊपर, कैसे वो मुझे दुख का कारण बनते हैं, वही सब मेरी इच्छा है, तृष्णा है, सब मेरे दुख का कारण बनती है, और कैसे मैं प्लेजर्स के पीछे हम लोग भागते रहते हैं लेकिन उसका कोई एंड नहीं है, कुछ भी अंत नहीं है, जो भी अंत है वो एक दुख का कारण बन जाता है। तो इसी तरह से वो माइंड को बैठ के वो एनालाइज करता है, वो अपने माइंड को एक्चुअली में ही गेट्स यू नो नाउ व्हाट यू कैन सी फ्रॉम दिस, आई कैन फील यू नो टॉकिंग टू यू, that mind becomes another thing for him and he is away from the mind. So again he goes into the witness consciousness of what is going on in the mind now. So he is trying to analyze that, right? And then how the mind, वो mind को कैसे rest में लेके आवे? You know, वो बोलते हैं कब मेरा मन जो है वो ऐसा शांत हो जाएगा और मैं वो infinite में उसमें wave में मैं भी absorb हो जाऊँ। जैसे अभी इतना सुंदर मिसाल नेहा जी ने बताया कैसे वो बबल है उसका जो ऊपर का आवरण है उसमें आकाश भरते 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 फट हो जाता है। सो यू नो इट इज सच अ डीप इनसाइड आई टेल यू, सेम थिंग गोज ऑन हैपनिंग, गुरुदेव टेक्स अस इनटू दैट एक्सपेंशन, गो ऑन एक्सपेंडिंग योरसेल्फ, 10 फुट इधर जाओ, 10 फुट उधर लेफ्ट जाओ, 10 फुट राइट जाओ, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, एक्सपैंड योर दैट ego which is there in your mind, and one fine day it has to burst. When it bursts, it is merged. Very nice, Neha. I liked it. Yeah. And then how to remain firmly established in your wisdom? Now that is another thing. कि वो firmly established हम कैसे हम बार बार खजर जाते हैं अपने अपने गुरु हमको बिठाता है वो सीट पे कि चलो तुम आत्मा हो, मान लो, समझ लो, जान लो, जो भी है कर लो, फिर हम खजर के आ जाते हैं उसमें, है ना। तो हाउ टू मेक, एंड देन ही सेज टू हिज इंटेलेक्ट, नाउ ही इज टेकिंग द सपोर्ट ऑफ हिज इंटेलेक्ट, ही इज टेलिंग ओ माय इंटेलेक्ट यू आर माय फ्रेंड, कंटेम्पलेट ऑन द टीचिंग्स ऑफ द सेज वशिष्ठ इन सच अ वे दैट वी शैल बोथ बी सेव्ड फ्रॉम द मिजरीज ऑफ दिस वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। दैट इज सो ब्यूटिफुल। इफ यू गो टू सी, अपने ही बुद्धि को कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, मतलब नाउ हेल्प मी, लेट अस कंटेम्पलेट, मतलब वो जो टीचिंग्स जो मैंने सेज वशिष्ठ से सुनी है, जो मुझे इतने सब कुछ मिले हैं, उसमें से हम दोनों साथ में चल के और इस मिजरी से हम पार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दैट इंटेलेक्ट हैज दैट जजमेंट विद, उनको वो सच क्या झूठ क्या वो परख करने की वो जो इंटेलेक्ट को जजमेंट होती है वो जो है दैट ही इज टेलिंग कम ऑन लेट अस टेक द ट्रूथ एंड लेट अस लीव द अनट्रूथ। सो दैट इज व्हाट इट इज। जैसे बताते हैं कि यू नो वो हंस पक्षी जो होता है जब वो बीक डालता है अपना तो दूध फट जाता है, उसमें से वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। इसी तरह से वो इंटेलेक्ट जो बुद्धि है ना वो भी ऐसे ही काम करती है, वो जब शार्प हो जाती है, जब When you listen to this knowledge, no, it becomes very sharp. When it becomes sharp, what happens? It helps you to analyze it. Okay, what is right and what is wrong. And I tell you one more thing. That day when I heard Kashi Bhaiya, he said in that session ki whenever you remember something, कोई ज्ञान की पॉइंट जब हमें याद आती है, व्हेन वी आर गोइंग ऑन यू नो इन आवर वर्क एंड ऑल सडनली समथिंग हैपेंस, इट हैज टू हैपन, समथिंग और द अदर विल कम, व्हाट हैपेंस, इट क्लिक्स यू कि ओ कम ऑन नाउ, चलो ठीक है, ऐसे है, यू नो इसका ज्ञान का पॉइंट ये है, ऐसा। तो इट मीन्स व्हाट, कि वो तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है वो तुम्हारा सेल्फ नॉलेज पक्का हो गया, दैट्स व्हाई इट कम्स बैक टू यू।
सो इट इज वेरी गुड. ऐसे जैसे चलते चलते हम कंटेम्पलेट, जैसे रामा करता है, कर रहा है, अभी भी उसको नींद नहीं आ रही, वो देख रहा है, जाग रहा है, वो सोच रहा है कर. तो इसी तरह से अगर हम भी कंटेम्पलेट करते हैं और अपने ही बुद्धि को, तीव्र जो बुद्धि है उसका सहारा लेते हैं कि चल बाबा अभी तू मेरे को, हम दोनों यहाँ से पार पहुंचे. So that is what it is. It saves you from the misery of this worldly existence. That is so beautifully said. I loved it. You know? And then again, of course, when the morning dawns, everybody is coming in the court. सब वापस आते हैं, सब करते हैं, और फिर से blessings मिलती है, और आगे चलता है sessions. Session जब आगे जैसे हमारा चलता है, वैसे इनका भी चल रहा था. So beautiful. We are on the same platform. No, sages are worshipped, and then what he says, you know, they are regarded as fruitful. Now this also is a very good point which I like it. You know, it's a small one, but it's a very good one. On the other days of darkness and other days of the dark. मतलब कि जब तुम इस साधु संत के, जब हम इसमें रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, या जो भी गुरु के संग में रहते हैं, तो वो जो दिन है वो हमारे फ्रूटफुल हो जाते हैं. फ्रूटफुल मीन्स हमको उसका फल मिलता है. क्या मिलता है? आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, जॉय मिलेगी, यू विल बी एलिवेटेड, यू विल बी स्माइलिंग ऑल द टाइम, isn't it? So all that thing, you will be in the inquiry, even that is a good thing. So those are the blessings turning into the fruit. And the other days are your darkness. मतलब बाकी अगर तुम नहीं आए तो ऐसे है कि हम अज्ञान के अंधेरे में ही बैठे रहते हैं. So this is your best opportunity. Inquire and learn from the sage. That is worth learning. So जब हमारे जीवन में गुरुदेव हैं तो हम उसका फायदा उठा ले फटाफट, and inquire and learn and just go ahead with them, with their learning, what they are giving us. है ना? तो वो झोली पकड़ के एक आदमी बैठा खड़ा था, बोला कि यू नो प्रभु को ऐसे प्रार्थना कर रहा था. अपनी झोली, झोली मीन्स अपना ये जो हम पकड़ते हैं, ऐसे ओशन समुद्र के सामने गया और ऐसे पकड़ के बैठा और बहुत प्रार्थना किया कि कम ऑन चलो जल्दी से, यू नो प्रभु मेरे को कुछ तो दे दो. तो एक ऐसा वेव आया जिसमें उसको सब हीरे मोती सब 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 उसकी झोली में आ गए. ओह माय गॉड, ही वाज सो हैप्पी, आई विल टेल यू. एकदम आनंदित हो गया, यू नो कि वाह व्हाट इज दिस, वाह दिस इज अमेजिंग. मतलब ही वाज जस्ट, यू नो ही जस्ट हैड अ थॉट कि ऐसा कोई वेव आए जिसमें से वो हीरे मोती सब आ जाए मेरे पास. आ गया एकदम से. उसमें देखा कि उसमें थोड़े से सैंड भी है. बोला कि चलो मैं जाता हूँ धोने के लिए, यू नो थोड़ा धोके लेके जाता हूँ घर. वो जैसे ही उधर गया दूसरा वेव आया उसको लेके चला. सो इट वी शुडंट डू दैट. जो आया है हमारे पास, जो हमको ज्ञान मिला है, उसमें से हम अपने हीरे मोती निकाल के हम अपने पास रखते, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर ट्रेजर फॉर योर लाइफ. सो विद दिस कंटेम्पलेशन विच आई वुड रियली रिफ्लेक्ट ऑन एंड टेक इट टू माई हार्ट, यू नो आई हैव ऑलरेडी डन दैट एक्चुअली. सो हियर आई वुड लाइक टू स्टॉप फॉर अदर्स टू टेक ओवर बिकॉज इट्स गेटिंग लेट ऑल्सो. So thank you so much, Shoji, for giving me this opportunity to express myself over here. And this is what is my takeaway for today. Thank you. Wonderful takeaway, Sangeeta ji. Thank you so much for sharing that. Intellect की जो बात चल रही थी ना कि जो अच्छा बुरा वगैरह वगैरह, वही basically आपका विवेक है. Power of discrimination जिसको बोलते हैं विवेक, बुद्धि में आपके रहता है और उसी को प्राप्त करने के लिए रोज प्रार्थना भी करते हैं ना कि अपनी बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक, वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो. माने सच क्या है झूठ क्या हम लोग जानते नहीं ना, ऑर्डिनरी जीव बिचारे जानते नहीं है. तो सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, यह जो विवेक है वो विवेक भी गुरु की प्रेरणा से ही हमें मिले, यह प्रार्थना करते हैं. और फिर कुछ क्षण के बाद जो एक स्थिति आ जाती है, फिर वहां पे वो विवेक भी बताने लगता है कि अरे जो मैं ये जो कर रहा हूँ ना, सही गलत, वो अच्छा बुरा, पाप पुण्य, अमुक तमुक, ये भी छूट जाएगा. बिकॉज कोई और है ही नहीं, कोई दो स्थिति है ही नहीं. तो फिर पॉजिटिव निगेटिव, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, ऐसे कुछ भी नहीं करना है. ना पॉजिटिव करना है, ना नेगेटिव करना है, ना ये करना है, कुछ करना ही नहीं है. कर्म ही नहीं करना है, क्रिया सिर्फ करना है, कर्म ही नहीं करने. तो ये स्थिति एक हो जाती है. बट दैट इज स्टिल देन, जब तक वो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो विवेक है, वो विवेक होना जरूरी है. और वो विवेक की प्रेरणा से ही प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं.
here Rama is also in that state of mind, right? He's selling his intellect. कि कम ऑन चलो आ जाओ साथ में चलते हैं एंड वी विल बी गोइंग थ्रू दिस मिजरीज मींस ही इज आल्सो इन दैट वर्क इन प्रोग्रेस मॉडल वेयर वी आर सो लेट अस एंड यू नो मींस इट इज व्हाट विद द विवेक वी विल टेक द ट्रूथ दैट इज द मेन थिंग राइट वो सच को हम लेंगे झूठ जाने देंगे तो दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन पावर दैट वी गेट एक्चुअली दैट इज द पॉइंट सो रामा इज गोइंग थ्रू दैट फेज ऑफ माइंड नाउ गेटिंग दैट हेल्प ऑफ द इंटेलेक्चुअल बताया जब ऊपर आता है तो आकाश तत्व में विलीन हो जाता है और जल जल में और आकाश तत्व आकाश में जहाँ के वहां विलीन हो जाता है. संगीता जी ने भी राजहंस का उदाहरण बहुत खूबसूरती से दिया. वो क्या करता है जब दूध ले लेता है और पानी वैसे छोड़ देता है, मतलब वही अपने जीवन है. अभी हमने वैराग्य प्रकरण से शुरुआत किया, राम का वैराग्य प्रश्नों से शुरुआत हुआ. हमने भी हमारे जीवन में ये प्रश्न अनुभव किए है बहुत पहले से. हमने हैप्पीनेस कोर्स किया तो वहां पहले प्रश्न आया, उस वक्त हम अचंभित हुए ये प्रश्न क्या हो सकता है. वैराग्य वो प्रश्न के मूल में था बेस में था उसके. और वही प्रश्नों का आधारभूत जब हम विचारों में जाते हैं तो वो वैराग्य वो अपने मन में जगता है. उसके बाद हमारा व्यवहार मोक्ष व्यवहार वो उसी तरह से आगे बढ़ता है. वो जानने की चाहत हमारे एक माइंड स्टेट को बताती है. राम का उदाहरण ही हमारे लिए, हम ही राम बन गए हैं. हम जो सुनना चाहते हैं हमने वैराग्य अनुभव किया है, हमने वो मुमुक्ष व्यवहार भी किया है. मतलब वही पर मन की स्थिति हर पल हम जानते हैं. हर पल नहीं होती है लेकिन एक कुछ पल तो आते हैं जीवन में, वो उस वन अनुभव के साथ हम जीते हैं. उसके बाद उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, हमारी उत्पत्ति, हर जगत में जो भी उत्पन्न हुआ उस उत्पत्ति का ज्ञान उसमें आ गया. उसके बाद उस स्थिति वही है, मतलब स्थिति में भी हम जान लेते हैं आज की हमारी स्थिति क्या है. राम की उस वक्त की मानसिक स्थिति क्या थी, उस वक्त सृष्टि की स्थिति क्या थी, इस वक्त ज्ञान की स्थिति क्या थी, मतलब वही व्यवहार में आगे बढ़ते गए. अभी हम यहां तक तो जान गए सब कुछ, हमने हमारा वैराग्य जाना, हमारा व्यवहार भी जाना, उसके बाद की हमने स्थिति भी जान, उत्पत्ति भी जानी और स्थिति भी जानी. अब उस प्रवृत्ति में जो ज्ञान पाया है उस प्रवृत्ति में स्थिर होने के वक्त आ गया. वही उपशम है जो हम हमारे मन की स्थिति को आगे बढ़ा. और आखिरी में निर्वाण है उस, मतलब हमारे जीवन के सात हिस्से ही इस आध्यात्मिक जीवन में हम इसी में देख रहे हैं. राम ने जो जाना वो हमारे लिए एक मतलब आगे के लिए हमारे लिए वो एक उदाहरण के तौर पर, हमारे जीवन को एक मार्गदर्शक के तत्व से हम देख रहे हैं. राम मतलब तुम में हम में बसा हुआ राम, मतलब आत्मन चेतना राम हमारे मन में बसता हुआ, उसकी स्थिति हम हर पल जान रहे हैं. कितना हमारा अध्यात्म किस तरह से इस ज्ञान में था समझ में आता है. वो ज्ञान इतने दिन बदल गए, हम विज्ञान बोलते हैं, हमारी जीवन पद्धति इतनी सब कुछ बदल गई, लेकिन हमारी मन की स्थिति, हमारे बुद्धि की स्थिति, हमारे स्मृति की स्थिति हर पल उसी को जीवन में जीती है. सब कुछ बदल गया लेकिन वो बेसिक कंसेप्ट जो तब भी थे, हजारों साल पहले भी थे, इस सृष्टि की उत्पत्ति में भी थे और आज भी वही तत्व बस रहे. कितना खूबसूरत है ना. ये संस्कार किस पे होते हैं, हमारे बुद्धि पे होते हैं,
हमारे स्मृति पे होते, आघात होते हमारे जीवन चरित्र पर। इस सृष्टि का जो बाह्य जगत है हमारे मन पे आघात करता है, हर पल करता है, हमें कलुषित करने का हर पल को होता है। हम उसमें उस स्थिति इस स्थिति में बने रहे, ये हमें हर पल जगाता है। हमारे बुद्धि के चेतना में वही सब कुछ चल रहा है। बुद्धि कैसी चाहिए? एक तरल, एक हल्का पल, वो सब वही ग्राप्स हो जाए, वो सकारात्मक हो, हर पल अपने आप को उस स्थान में अपने आप को बनाते रहे। वो स्मृति को भी ऐसे ही बनाए, वो जो निष्पाप निसंदेह हर पल में निर्वाण की स्थिति में वो उपलब्ध हो जाए, इस तरह से वो स्मृति भी रहे। हमारी मन की स्थिति उसके बाद आती, वो भी उतनी ही तरल हो जाए, वो मन के विचार भी उसी तरह से तरल बन जाए, वही भावनाएं भी उसी तरह तरल बन जाए। जो जो राजहंस चुनता है वही मोती, वही ज्ञान के मोती हम भी चुने, यही हमें दिखा दे। जब मन की स्थिति इस तरह से हो जाती है तो उपशम होने में हमें मदद हो जाएगी। राम को बोले ना, तुम कर्म से तो नहीं चुकेगे, आपको राज करना ही, वैराग्य आया, मुमुक्ष व्यवहार आया, इस सृष्टि में आपके कर्मों का कोई बंधन ही नहीं है। ऐसा लगेगा कि मैं सब छोड़ के बस तप में बैठ जाओ, मैं वैराग्य अपने तरीके से जी लो, लेकिन वो विषय नहीं है। आपका कर्मों का जिम्मेदारी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो निभाना भी जरूरी है, लेकिन उस भाव को क्या देखना चाहिए? वो भाव जो राज कर रहा हूं तो राज मेरा नहीं है, मैं बस इसके लिए जिम्मेदार ठहरा हूं, और वो मुझे करना है क्योंकि मेरा नहीं है, मैं ये सृष्टि के लिए वो कर्म का फल अपेक्षित किए बिना करना, यही कर्म का फल, फलों का त्याग करना, इस बात पे यहाँ पे फिर से आ गए। कितना खूबसूरत है ना, कर्म तो करने हैं लेकिन उसके फल की अपेक्षा नहीं की, तो हमारी बुद्धि में, हमारी स्मृति में, हमारे मन में होने वाले रिएक्शंस बदल जाते। जब हम कर्ता भाव हमारे में लेंगे, कर्म कर्ता, वो हमारे एक प्रकरण में बहुत खूबसूरत, ना मैं कर्ता, ना मैं भोक्ता, ना मैं त्यागी, कितना खूबसूरत है ना। मैं कर्ता बनता हूं तो उसके परिणाम मुझे भुगतने हैं, मैं कुछ भी कर्मों का कारण भाव अगर मैं अपने आप को, मेरा अहंकार को देता हूं तो मुझे कर्मों के परिणाम हमारे बुद्धि के, हमारे स्मृति के, हमारे मन के संस्कार के प्रति बन जाएंगे। और कर्ता भाव का संसारण क्या है, मैं यश अपयश से बंधा जाऊंगा, हर पल के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराऊंगा, और उस भुगतना मेरे लिए अनिवार्य, हाँ अनिवार्य हो जाएगा। तो मतलब कर्म फलों का त्याग करेंगे तो हम इस भाव से मुक्त हो जाएंगे। यश आता है तो भी हम उसको अपने अनुभव में लेते हैं, हमारे मन में खुशियां तो आएगी, लेकिन कभी अपयश भी आया, जीवन में कुछ दुख भी आ गए, परिणाम स्वरूप कुछ भी हमारे साथ अनहोनी अघटित घटता है, तो भी वो कर्म मेरा नहीं है तो भुगतने वाला भी मैं नहीं रहूंगा। कितना खूबसूरत है, सारा जीवन ही जीने का एक तरीका हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए खुला करके रखा। इतना खूबसूरत, आज सोमेश्वर जी बता रहे थे, संगीता जी बता रहे थे, एक मन में एक अलग से भाव मन में उभरते हैं, निकल जाते हैं, अपने मन में एक ग्रेटिट्यूड जगता है, अपने होने का ऐसा जगता है, हम गुरुदेव के सानिध्य में आ गए, इस भाव का अनुभव मन में आता है और एक संतोष मन में आ जाता है। जिस चार द्वारपालों का हम अनुभव करने जाते हैं, चारों द्वारपालों का दर्शन यहीं पे हो जाता है। मतलब एक प्रवास, अनंत का प्रवास, और उसके सभी साथी यहीं पे मिल गए। ये प्रवास ऐसे ही चलते रहे, बस यही अपेक्षा के साथ। जय गुरुदेव। या कैन आई आस्क अ क्विक क्वेश्चन? आई हैव
a question here with me. What happens in this life? Now we know the intellect सच लेगा, okay? We are sharp, we got that. But जब चलना है, व्यवहार करना है, जब एडजस्टमेंट आता है, मालूम है सामने वाला इज नॉट गुड, जब एडजस्टमेंट करना है तब क्या है वो बताइए. दैट इज अ क्वेश्चन. स्माइल. उसके प्रति करुणा, करुणा दान. यू हैव टू टेक एन एक्शन विद दैट. सो आइदर यू बी विद योर ट्रूथ और यू गो विद हिम फॉर दैट एडजस्टमेंट. सो मिस्टर जी, टेल मी व्हाट टू डू विद इन दैट सिचुएशन. आप अवेयरनेस के साथ रहना चाहिए आपने, और उस वक्त जो करना जरूरी है वो आज की तारीख में जो जरूरी है वो भी करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम के लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहरा के, प्रकृति को ठहरा के अपने आपके कर्म फल से आप अपने आप को आजाद करना चाहिए. सोमेश्वर जी, व्हाट अबाउट दिस? यू गो विद द ट्रूथ और यू डू द एडजस्टमेंट? टेल मी. श्योर. सो इसको देखने के अलग अलग व्यू पॉइंट है. सारे इस व्यू पॉइंट में से उस व्यू पॉइंट को पकड़ के रखना जो आपके मन को शांत कर देता है. अभी मैं अलग अलग व्यू पॉइंट इसके आपको ये करता हूँ. अच्छा, मुझे बताइए, जो भी सामने कैरेक्टर्स जो दिखाई दे रहे हैं, क्या उनका अस्तित्व है? अभी जो एक्शन लेना है उसके लिए तो है ना. उसी के लिए मैं एक्शंस की आई विल कम टू इट, बट लेट जस्ट गो इन अ वेरी स्टेप बाय स्टेप मैनर विथ वेरी लॉट ऑफ पेशेंस. क्या प्रश्न जो मैंने पूछा, क्या सामने वाला जो इंसान है जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, क्या उसका अस्तित्व है या नहीं है? वैसे तो नहीं है, बट अभी सामने तो दिखता है ना, है ना? नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है. क्या तुम्हारा अस्तित्व है? नहीं, अभी अस्तित्व नहीं है तो एक्शन ही नहीं है, वो नहीं हो सकता है ना. दैट इज आई कांट गेट इट. यू हैव टू टेक अ स्टेप. Now there is a question of adjustment. So I am asking you that adjustment part. You tell me that. To go with the truth or to adjust means you are not going with the truth, but you are adjusting yourself. The mendak adjusts himself in that hot water every time. That is the question. So shall he jump out or shall he adjust there? Is my question. In that situation. Now in that situation. मुझे प्रश्न समझ में आया है, उत्तर की बात कर रहा हूँ. हम लोग उत्तर सुनेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन हम लोग उत्तर सुनेंगे ही नहीं तो समझ में. I'm trying to clear myself more. अभी वो है ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो वो है ही नहीं. So that is not my answer. So that's what I repeated my question. आंसर तक पहुंचे नहीं ना, कंप्लीट तो करने दे. हम लोग बीच में जंप करके कैसे होगा? हम लोग उसको कंप्लीट देखें तो सही, इतना पता लगेगा कि हम लोग बोलना क्या चाहते हैं. और मैं उसके बावजूद भी बोल रहा कि एक व्यू पॉइंट है, अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं. कौन से व्यू पॉइंट को पकड़े? जो व्यू पॉइंट आपका मन शांत करे. तो जरूरी नहीं कि जो व्यू पॉइंट यहाँ पे रखा जाएगा उसको पकड़े या उसको ही ले. नहीं, देर इज नो आवश्यकता नहीं. हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जो प्रश्न आया है उसके पीछे कुछ व्यू पॉइंट है, उसकी बात कर रहे हैं. तो उससे चीजें जरूर समझ में आएगी. उसको लेना है या नहीं लेना है वो बात की बात, दैट इज डिफरेंट. हम लोग क्या बोल रहे हैं एक्चुअली कि एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जो हमारे साथ इस पर्टिकुलर तरीके से बिहेव किया है ना. अभी उसको हम लोग कैसे डील करें, उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करें उसके साथ. आइडिया इज दैट कि उत्पत्ति प्रकरण की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है. चलो ठीक है, एक एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि उत्पत्ति हुई है, इमेजिनरी क्यों ना हो, उत्पत्ति हुई. किसने की उत्पत्ति? उस आने वाले से इंसान की उत्पत्ति किसने की? तुम्हारी उत्पत्ति किसने की? उस परमात्मा ने. Somebody is imagining about you in his dream. Is that clear? Is that sequence is clear? That परमात्मा ने कुछ तो उनके मन में स्फुरण हुआ, उनको अपने आप को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक ड्रीम कर देखना शुरू कर लिया, और वी आर द कैरेक्टर ऑफ हिज ड्रीम. इज दैट क्लियर? सो अपना भी अस्तित्व ऐसे है नहीं, बट समझने के लिए मान लेते कि है. तो ठीक है, मेरा अस्तित्व है. कैसे है? आई एम द कैरेक्टर इन द ड्रीम ऑफ दैट परमात्मा. नाउ मैंने क्या किया, मैंने अपना ड्रीम देखना शुरू कर लिया. सो नाउ मेरा जो ड्रीम है उसमें संजय है, मेरा ड्रीम है उसमें संगीता जी है, मेरा ड्रीम है उसमें प्रीति है, ज्योत्सना है. किसका ड्रीम है? मेरा ड्रीम है ना. मेरे ड्रीम में यू आर ऑल कैरेक्टर्स. अभी उन कैरेक्टर्स ने कैसे बिहेव करना है कौन डिसाइड करेगा?
मैं डिसाइड करूंगा. सो जो आपको मिल रहा है ना, वो आपने वैसे ही प्रोजेक्ट किया है उसको, इसलिए वो आपको वैसे ही मिल रहा है. आप क्या करो, यदि आपको रूट लेवल पे उसको चेंज करना है, उस व्यक्ति का बिहेवियर आपको चेंज करना है, तो आप क्या करो, कहाँ पे चेंज करो, उसको जिस रूप में आप देखना चाहते हो उस रूप में आप उसको इमेजिन करना शुरू कर दो. कुछ देर के बाद वो आपको नजर आएगा कि वो व्यक्ति आपके साथ वैसे ही बिहेव करेगा. दिस इज अ वेरी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योग वशिष्ठा, कि यदि कोई व्यक्ति है सामने, वो अपने को जैसे चाहिए वैसे बिहेव नहीं कर रहा है, अपने से उसको हर्ट होता है, दुख होता है, तो चेंज किधर करना है, वो जाके उसको व्यक्ति को चेंज करने का कोशिश करोगे, होता नहीं है, इट डजंट हैपन लाइक दैट. तो क्या करो, अरे यार ये जो है ना, ये व्यक्ति जो है, जो भी है, नाम की तो बात ही नहीं, आई डोंट नो विथ हुम वी आर टॉकिंग, फॉरगेट अबाउट दैट. सोचो कि हाँ ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति मेरे से बड़ा प्यार से बात कर रहा है, ऐसे ही इमेजिन करो. बिकॉज इमेजिन ही है, बिकॉज सारी चीजें फिक्स हो रही है, इट इज फिक्सिंग एट द लेवल ऑफ माइंड, बिकॉज माइंड इज प्रोजेक्टिंग दिस वर्ल्ड आउटसाइड अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठा. तो जब आप अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठा ऐसा प्रोजेक्ट करना शुरू करिए, यार ये व्यक्ति है, ये जो है नो, ये व्यक्ति मेरे अंदर, मैं कुछ करूंगा, परिवर्तन करूंगा, तो ये व्यक्ति बदल जाएगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो व्यक्ति आपका ही प्रोजेक्शन है, आपने उसको आपका ही स्वप्न का कैरेक्टर है, तो जैसा आप चाहोगे वैसा बिहेव करना शुरू करेगा. दिस इज वन व्यू पॉइंट. अनदर व्यू पॉइंट कुड बी कि जो सारी चीजें जो है, जो गुरुदेव ने बताया, अभी एजीएम में बताया, एजीएम में नहीं, एडवांस कोर्स में बताया, तो बोलते क्या है दूसरा व्यू पॉइंट, क्या है उसको डील करने का, ये सारे अपने मन को शांत करने के तरीके है. तो इससे क्या होगा, वो तो उस इंसान को आप अच्छा रूप में देखना शुरू कर गए, तो उससे जो दुख हो रहा है वो दुख पहले कम हो जाएगा. इज वन वे ऑफ डीलिंग विथ टू काम योर माइंड. सेकंड वे ऑफ डीलिंग इट, कि देखो वो जो उसने जो बोला ना, या जो कुछ भी उसने मुझे हर्ट लगा, वो क्या होता है, यह उसके त्रिगुणों का प्रभाव उसके ऊपर है, उसके उसने इस तरह से बिहेव किया, ये भी बदल जाएगा. क्या परमानेंट है, क्या वो व्यक्ति हमेशा से वैसा था, क्या नहीं था, अभी वो कुछ दुखों से गुजर रहा है, कुछ तो हो गया है उसके लाइफ में, कुछ तो ऐसा घटित हो गया, उसकी वजह से यह व्यक्ति इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये भी बदल जाएगा. ये एक और एक व्यू पॉइंट हो सकता है जिससे आपका मन शांत हो. उसके बाद में ये भी नहीं वर्क कर रहा है, वो व्यक्ति बदल ही नहीं रहा है, काफी देर तक आपने पेशेंटली वेट करके देख लिया, तो फिर जो तीसरा जो ये बताते हैं गुरुदेव, बोलते हैं कि ये बदलेगा नहीं, ये कंजूस है, ये कंजूस ही रहेगा, बोलते उसका स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, ये नहीं बदलेगा, कुछ चीजें नहीं बदलती लाइफ में, ये नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा, लेकिन मुझे छोड़ के तो जाना नहीं. सपोज वो व्यक्ति तुम्हारा हस्बैंड ही है, सपोज वो व्यक्ति तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारे माँ है, पापा है, सिस्टर है, तो फिर क्या करोगे, छोड़ के भाग जाओगे उनको, छोड़ के भाग तो सकते नहीं है. तो फिर बोलते हैं कि ठीक है, फिर ये ऐसा ही है, उसका स्वीकार कर लो, तब भी तुम्हारा मन शांत हो जाएगा. आइडिया क्या है, तुम्हारे मन को दुखी मत होने दो, तुम्हारे मन को संभाल लो, सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट. एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, हो सकता है कि बात करते करते और 10 तरीके भी पता लग जाएंगे. कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन अपने मन को शांत कर लो. तो फिर जो एडजस्टमेंट होनी है वो एडजस्टमेंट होनी लगेगी जब अपना मन शांत रहेगा. जब अपना मन अशांत रहता है तो कोई एडजस्टमेंट किसी के साथ नहीं होती. अभी अपने आप से बोर हो जाते हैं, हमारे मन में ही उथल पुथल रहती है, हम ही जिस तरह से व्यक्त होते हैं, वो व्यक्त होने का तरीका, अपने हाव भाव, अपने बिहेवियर, वो चेंज हो जाते हैं, अपने शब्द चेंज हो जाते हैं जब हम लोग शांत नहीं रहते. काशी भाई अक्सर एडवांस कोर्स में बताया था ना कि क्या होता है, देखो परिस्थिति, व्यक्ति, परिस्थिति, ऑब्जेक्ट्स वही होते हैं, लेकिन जब आपकी प्राण शक्ति ऊपर होती है तो हाउ डू यू बिहेव विद देम, वो तब आप तो क्लिप नहीं देती. लेकिन जब पूरे दिन भर काम कर करके आप थके बड़े होते हो, और वही इंसिडेंट जो मॉर्निंग में हुआ था, वही इंसिडेंट अगर इवनिंग में आपके साथ हो जाए, तो आप सडनली रिएक्ट कर देते हो. क्यों? उस वक्त आप थके हारे होते हो, ये होता है, शायद रात में नींद नहीं होती है, वही सिचुएशन, वही व्यक्ति, वही परिस्थिति में आप रिएक्ट अलग तरीके से करते हो. क्यों? क्योंकि आपकी प्राण शक्ति कम है. तो बोलते क्या है फिर इसको डील करने के लिए, तो एडवांस कोर्स करना है इसमें जरूरी की. वो क्या करता है, आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाता है, फिर जो चीजें आपके सामने आती है उसको डील करने की आपकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है. एंड देन फिर वो कैसे भी बिहेव करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके चेहरे से वो स्माइल नहीं जाता, हो जाता है. अलग 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 तरीके है डील करने. तो आपको जो तरीका आपके मन को शांत करने में हेल्प करता है उसको करो. अरे ऐसा भी कुछ है, अगर छोड़ पाते हो तो उसको छोड़,
आगे बढ़ो, इट्स ओके, लेट दैट पर्सन हैव हिज ओन चित्ता, लेट दैट पर्सन लीव देयर ओन लाइफ, यू लीव योर लाइफ, इट्स फाइन। ये भी एक अल्टीमेट पॉसिबिलिटी हो जाता है, लेकिन होता है बोलते हैं वो बॉस जो है उसको भागने के लिए नौकरी छोड़ते हैं, पता चलता है नेक्स्ट नौकरी पकड़ ली उससे और ज्यादा भयंकर बॉस आपको मिल गया, ये भी हो सकता है। तो यही होता है में जो लोग ब्रेकअप वगैरह करते रहते हैं, एक से पटी नहीं दूसरा पकड़ लिया, दूसरे से पटी नहीं तीसरा पकड़ लिया, बाद में पता चलता है कि ये तो वो भी हॉरिबल है, उससे भी ज्यादा हॉरिबल है। तो ये होते हुए दिखता है ना, लोग मिस्टेक्स करते हैं ऐसी, बट बोलते बोलते कि ऐसे क्या है, जो साइकिल चलाना जानता नहीं है ना वो हरक्यूलस की साइकिल ले, हीरो की साइकिल ले और कोई कंपनी की साइकिल ले ले, उसको फिर से साइकिल चलाना आएगा नहीं, जब तक वो गिरेगा नहीं पड़ेगा नहीं साइकिल चलाना सीखेगा नहीं तब तक वो ऐसे ही होगा। साइकिल बदलने से कुछ नहीं होता है, जॉब बदलने से कुछ नहीं होता है, पार्टनर बदलने से कुछ नहीं होता है। तो बोलते उन चक्करों में मत फंसो, जीवन कैसे जीना है वो सीख लो, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करो, आओ मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, उस ज्ञान को प्राप्त कर लो, समझो, मुक्त हो जाओ, फंसो नहीं इसमें। ये सारे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं टू डील विद दिस सिचुएशन, दीज आर कपल ऑफ व्यू पॉइंट्स आउट ऑफ दिस। Thank you very much, Someshwar ji. So one side, Someshwar ji said, adjust yourself. Let the frog be in the hot water. Let it adjust. It's okay. It's okay. It's okay. And the other side, it is jump out of it, grow out of it, what you are going through. So it's our choice what we take it. Either we adjust or we grow. So I would love to grow through that. Because आज अगर वो person मेरे जिंदगी में है और जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, it means it is for my growth, nothing else. He has taken the pain to teach me that lesson to grow up. So we are actually in gratitude for that person to be in my life and taking me ahead. So this is my viewpoint. So the question is, of course, a very big, vast thing कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जैसे सोमेश्वर जी ने कहा कि आप जो भी अपनाना चाहो, it is ultimately कि be at peace. So you opt for this way or that way. Either you adjust yourself or you jump out of that. Frog को दोनों choices है. You have what the choices. He has it. Either he can shimmer in that hot water, adjust, or he can just jump out of it. So that's the way it is, right? So why crawl when you have the wings to fly? That is the point. Thank you very much. Thank you. Absolutely. No, करते हैं लोग, दिखाई देते हैं ना, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपने भाई बहन को छोड़ देते हैं, अपने पत्नी को छोड़ देते, होता है ये, होता है ये। अगर मतलब वहां पे जी ही नहीं पा रहे हो तो बोलते बोलते ठीक है, देन गो फॉर द रिवर्स, लेकिन बोलते दैट शुड नॉट बी वेरी सडन डिसीजन, शुड नॉट बी वेरी इमीडिएट डिसीजन, ऐसे रिएक्शन की तरह वो डिसीजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो ग्रो व्हेरेवर यू आर, इन व्हिचएवर सिचुएशन यू आर, यू नीड टू ग्रो आउट ऑफ इट, लर्न आउट ऑफ इट एंड गो। सी द लर्निंग इज देयर, जब तक लर्न नहीं किया वो केजी क्लास का बच्चा केजी क्लास में ही रहेगा, एंड द यूनिवर्स इज सो कंपैशनेट, टिल यू डोंट लर्न इट विल गिव यू द सेम क्वेश्चंस विल कम इन योर लाइफ, द सेम क्वेश्चन, जस्ट लाइक सोमेश्वर जी सेड, इफ यू लीव वन बॉस ओवर हियर, इट मींस व्हाट, यू आर गोइंग टू गेट द सेम पर्सन देयर ओनली, यू नो, सेम, वही नेबर को अगर छोड़ेंगे ना तो वही नेबर फिर से हमको वैसे ही मिलेगा एकदम। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन को तुमने पास नहीं किया, वो क्लास तुमने पास नहीं किया। सो द यूनिवर्स ऑल्सो ट्राइज टू मेक अस लर्न ऑल द लेसन्स एंड देन गो अहेड। सो वी नीड टू लर्न इट वेर एवर यू आर, या सो बी क्विक इन लर्निंग, ग्रोइंग, गोइंग अहेड, राइट। संगीता जी, आपके पास आंसर था, सब कुछ था, सिर्फ आपने कंफर्मेशन कर लिया। आई वांटेड टू गेट अ बेटर आंसर फ्रॉम सोमेश्वर जी, ही गेव मी। जब आपका विवेक काम कर रहा है ना, तो किसी बात की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस सुनना चाहते थे आप, और सोमेश्वर ने जब बहुत ब्रीफिंग में सब कुछ बता दिया, ही नोस व्हाट इट इज, सो दैट्स व्हाट आई जस्ट, रिलेशनशिप में भी बता दिया, कॉर्पोरेट लाइफ में बता दिया, दोनों आपका एक्शन दोनों टाइम में भिन्न था, लेकिन आपका विवेक सब तरफ वही था। यू नीड टू लर्न द लेसन, दैट्स व्हाट इट इज, या सो कोई एडवांस कोर्स में बैठ के करेगा, कोई एंजल बन के करेगा, लेसन तो वही लर्न करता है, कंपैशन में ही आना है, फिर से हार्ट में ही आना है, यू नो दैट इज व्हाट इट इज, इजंट इट।
स्माइल बहुत नेसेसरी, बस बाकी कुछ नहीं। कल काशी भैया ने कहा ना कि इट इज अमेजिंग पीपल कीप ऑन आस्किंग यू नो कि हाउ यू कैन स्माइल इन सच अ सिचुएशन, बट दैट्स व्हाट इट इज। वो एक यूनिफॉर्म है जो हमको गुरुदेव ने दे दिया है, वेयर अ स्माइल एंड गो सी योरसेल्फ इन द मिरर फर्स्ट, सो आर यू स्माइलिंग, देन ओनली यू कम हियर। मतलब जाओ किसी के पास, जगत में जाओ, सो दैट इज द थिंग, इजंट इट। थैंक यू वेरी मच सोमेश्वर जी फॉर द apt answers, really I love it. Thank you, it has helped me to go ahead. वही बात है, move ahead, cool down, slow down and keep going. No, this is a movement, there is nothing stationary in this world, everything is moving, move ahead, it's fine. Yeah. Take it as a play na, it's okay na. Yeah. I love the chess moves, you know, really they're so good. Rani ko bachao aur baki chalte jao. So some, you know, you see the moves in the chess. It's so beautiful game. And if you really, that analogy, if you apply in your life also, no, it's the thing actually. Every move takes you in that consequences of what you move ahead. So beautiful. Life is full of learning. I just love it. Thank you very much. And चेस की और इसकी बात करें ना, तो चेस में तो हारना या जीतना होता है, लाइफ में हारना भी नहीं जीतना भी नहीं, मुक्त होना है यहाँ पे। हार जीत करके क्या करें, मुक्त हो जाओ। रानी तो बचानी है ना अपनी, तो मतलब आत्मा को तो बचाना ही है ना किसी भी हालत में, नहीं तो गेम भी लूज हो जाएंगे ना, दैट इज द पॉइंट। शम शम इस बारे में बहुत सारी बुद्ध चलता है, शम संयम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी और लगता है ना इसी क्षण मुक्त हो जाए, इस झंझट में ही नहीं पड़ना, ये बात सही है। जोशना जी इन द मॉर्निंग द वे शी वाज सेइंग इन मराठी दैट वाज सो नाइस, जोशना जी कितना बढ़िया आप बोल रहे थे, पढ़ रहे थे उसको, यू नो शी वाज एनालाइजिंग, वेरी नाइस, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। यहां यहां रियली कीप इट अप, और ऐसे करते करते ही आगे आ जाएंगे। आप अपना वीडियो ऑन करके आप यहाँ पे आ जाइए तो आपको एकदम सोमेश्वर जी स्पॉटलाइट कर देंगे सच में। हाँ अभी स्कूल जा रही हूँ इसलिए नहीं आ रही हूँ, गाड़ी पर हूँ। थैंक यू। ओके बहुत बढ़िया बोल रहे, जोशना जी का कमिटमेंट इज वेरी गुड। कितने सारे दिनों से करते हैं साधना, इतने दिनों से वो आती है यहाँ पे साधना कंडक्ट करती है, उसके बाद में शी कंडक्ट्स द मराठी सेशन आल्सो, शी रीड्स थ्रू इट, कामत मैडम इज आल्सो, ऑल दीस पीपल आर रियली कमिटेड, नो दे आर रियली wonderful, wonderful to have all of you in life, no? With that note, और किसी को कुछ बोलना है, कुछ कहना है, तो you can unmute yourself and express. If not, then we'll end this session. ठीक है, फिर आज के इस सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं, स्वल्प विराम लेते हैं, पुनः एक बार कल मिलने के लिए। जय गुरुदेव।